अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरीके से जो लोग हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो जल्द ही ज्वाइन कर लें और इसी तरीके से क्रैश कोर्स के बारे में जो सोच रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लें क्योंकि तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे और अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ले लेते हैं तो इल्म बलागा जैसे इल्म इलूज हैं और बहुत सारे टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत होती है और आपको परेशानी होती है वो सारे आपके हल हो सकते हैं ठीक है वो सारे आपके हल हो सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सेप्टेम्बर ट्वेंटी के एग्ज़ाम हुए उनके पी के तल्ल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है जो मैंने दिया था उसके तालुस से गुफ्तु करेंगे तो यहाँ पर पहला सवाल है इक्यावनवा सवाल क्योंकि इससे पहले हम पचास सवाल पे गुतगु कर चुके हैं कान ला आदिल कलाम व कान या तजन्ब वहाश या शर वो कलाम में उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे ला कलाम ऑल फोल नहीं बगते थे और जो शेर जिसमें कोई दम ना हो उससे बचते थे वलम यमद आहदन अब माफ़ी और किसी की तारीफ़ नहीं करते थे मगर उसी के ज़रिया जो उसके अंदर है यानी झूठी तारीफ़ नहीं करते थे सच्ची तारीफ़ करते थे ठीक है ये किसके बारे में कहा उमर बिन खत्ताब के ने कहा है तो उमर बिन खत्ताब के दो किस्से मैंने आपके सुनाए हैं जब हमारे हमने गुफगू की है तो ये किसके बारे में कहा होगा ये कहा होगा आपके ज़ुहर बबिन सलमा के बारे में तो सही जवाब है ज़ुहर बबिन सलमा और इस सवाल की नौीयत देखें देखें कितना ऊँचा मतलब कितना समझें ये ईजी है क्वेश्चन का लेवल क्या है क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ईजी है ठीक है ये भी अगला सवाल है सवील आबिरवील सवील क्या है दीवान अखरज़ात पहली बात तो आबरल मतलब अक़ात फिर दीवान वान देखना नहीं है यहाँ पर खली मतरान का नाम है अबुल कलाम आजाद का नाम है यमार्क्काश का नाम है ठीक है तो आबर शबील जो भी होगा वो किसका अक़ात का ही है ठीक है और ये सब गलत हैं क्लियर यहीं से ख़त्म हो गया हमारा किसका है? दीवान अक़ात इसका सही जवाब है और ये भी ईजी ही कहूँगा मैं इसको इस सवाल को भी मैं ईज़ी ही कहूँगा अगला सवाल है रक्तबाउबा व शुरा अलमस्कूरीन अदनाहू हसब तवारीख़ व फ़ातहम नीचे दिए गए जो शुरा हैं उनकी तारीख़ के हिसाब से उनको मुरतब कीजिए तो पहले हम देखते हैं जुबरान खली जुबरान की कितनी है उन्नीस सौ इकतीस मिखायल की उन्नीस नसीब अरीज़ा की उन्नीस सौ छियालीस माज़ी की उन्नीस सौ सत्तावन क्लियर हो गया तो पहले पे आएंगे जुबरान पहले पे आएंगे आपके जुबरान उन्नीस सौ इकत्तीस फिर उसके बाद एलियाबू माजी नसीब अरीजा उन्नीस सौ छियालीस एलेबू माज़ी उन्नीस सौ सत्तावन और मिखायलन उन्नीस सौ अट्ठासी क्लियर है तो ये सही जवाब होगा आपका तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब बनेगा जुबरान पहले पे नसीब दूसरे पे ए सी ए सी यहाँ पर दूसरा बनता है ठीक है ए सी डी बी ए सी डी बी लिया माजी उन्नीस सौ सत्तावन और मिहाल नामा उन्नीस सौ अट्ठासी ठीक है कोई परेशानी नहीं होती है हमें याद होना चाहिए बस इन सबसे कुछ मसला नहीं होता ठीक है जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं वो वाले क्वेश्चन बनाऊँ कौन से क्वेश्चन बनाऊँ आपके स्टेटमेंट वाले क्या स्टेटमेंट वाले मैं बता चुका हूँ स्टेटमेंट में क्या रखा है अरे भाई स्टेटमेंट में क्या रखा है आप देखें पहला स्टेटमेंट है कि अब्दुल अजीम ये हैं टीचर ठीक है ऑनलाइन टीचर अरबिक की पढ़ाते हैं नंबर दो दूसरा स्टेटमेंट है इन्होंने जे जो है एजुकेशन से हासिल किया है सही गलत आपको नॉलेज होना चाहिए उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई स्टेटमेंट कोई अनोखे सवाल थोड़ी है स्टेटमेंट कोई अनोखे सवाल नहीं है कि उसके अलग से सवाल बना जाए भला आपकी नॉलेज होना चाहिए उनका स्टेटमेंट किसी भी अंदाज़ का हो सकता है किसी भी तरीके का हो सकता है कभी किताबों के बारे में हो सकता है कभी बंदे के मसलक के बारे में हो सकता है अदीब के कभी अदीब की वफात के तल्ल से हो सकता है वफा की डेट वफात की, की जगह के तल्लु से हो सकता है कभी किताब की नोयत के तल्लु से हो सकता है कि जैसे आबर सवील नंबर एक स्टेटमेंट एंड आबर सवील हुआ दीवान ठीक है फिर उसके बाद सजिन हुआ रिवाया ठीक है ही रिवाया इस तरीके से आपका स्टेटमेंट एक तरह इस तरह भी हो सकता है अगला सवाल है नशा अफ अनुमुआशाह ये देखें मुझसे गलती हुई है यहाँ पर ये था मेरे सामने था लेकिन मैं इसको सही नहीं कर पाया तो इसी मैं कहता हूँ रिवीज़न इज़ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करो मेरे पास जितना नोट था जितनी बार मैंने रिवीज़न किया कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसी नोट्स में से मिलती रही मैं ताज्जुब में था कि कैसे हो रहा है ये उसी नोट से नई चीज़ें निकल रही हैं ठीक है नशा फनमआशात फ़िलदल उसकिसम अवाख़रलकरन सालिसल हिजरी मैंने कहा अवाइल लिखा होगा ना अवाइल आंसर दिया है ठीक है तो सही जवाब इसका क्या है अवाखरलकरिन सालिससल हिजरी और इसकी मैंने रीज़न बताया क्यों क्योंकि इसके अवाइल में से एक मुकदम बिन मुआफ़ा समझे जाते हैं और इसी तरीके से इबन अब्द रबी तो इबन अब्द रबी दो सौ छियालीस में तो इनकी पैदाइश है तो अवाइल तो हो ही नहीं सकता अवाइल तो हो ही नहीं सकता बाकी मुकदम की मैं जानता नहीं हूँ इनकी क्या डेट उठे तो इबन अब्द रबी ही इसके अवलिन में से समझे जाते हैं तो वो तो अविर में ही होंगे एक रीज़न बिल्कुल क्यों करने अविर होना चाहिए ठीक है वो मैंने आपको रीज़न दिया अगला सवाल है इनहू रत्त तब एफ़ी किताब ही अलाम अला इसमा साहबा व इलम इनम यू बिहा कमफा अला अख्तर वह महाजम तारीख़िया तो पहले तो चला कि यह मौजम तारीख़ी है क्या पता चला मौजम तारीख़ी हालाँकि ये सही तरीके से मुझे समझ में आया नहीं था ठीक है ये क्वेश्चन मुझे सही तरीके से तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया था वहाँ पर सारा अच्छे तरीके से लेकिन अभी समझ में आ रहा है ठीक है पहला तो ये कि मौजम तारीखी और मौजम तारीखी मैंने किताबों के बारे में बताया कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जैसे मुझे जो है लगत में मौजम तारीखी नहीं है मुकदमन ख़ल्दून भी मौजम तारीखी नहीं खुशबू जुनून भी मौजम तारीखी नहीं तो सवाल तो यहीं पर हल हो गया उससे ऊपर क्या लिखा उससे तो कोई मतलब ही नहीं है असल में इन्होंने क्या कहा है कि किसी मदीने के ये पूरी वारत उठाई नहीं है सवाल क्लियर है ही नहीं किब हा ये जमीर कहाँ किसकी तरफ लौटा रहे हो तुम या सहाबिया की ज़मीर किसी की तरफ लौटा रहे हो तो इसका मतलब होगा कि या असाबलमदाइन या याहबल बबिलात ठीक है यानी इन्होंने अगर बिलात बिलात के हिसाब से तरतीब दी है कहीं कही ना कहीं किसकी वफ़ायातलान की किसने इबिन खल ने ठीक है तो उन उन बस्ती के जिस बस्ती के आलाम के बारे में ये लिख रहे हैं जहाँ मशहूरिन का भी तस्कर किया है वहीं पर इन्होंने उनका भी तस्करा किया है जो मशहूर नहीं है ठीक है जैसे दूसरे लोगों ने माजी तारीख़ी वालों ने मशहूर मशहूरी का तस्करा किया लेकिन उन्होंने क्या जो मशहूर नहीं है उनकी भी जिंदगी को जिक्र कर दिया है थोड़ा बहुत ठीक है तो ये सवाल पूछा गया है तो सवाल तो यहीं पर यह हो गया था मौजम तारीखी है मौजम तारीखी यहाँ पर एक ही किताब है कशफ जुनून ये तो इनसाइक्लोपीडिया है कुब में अलूब में ठीक है कशफ जुनून और फहरिस्त भी शायद इसी टाइप की एक किताब है कशफ़ जुनून के अंदाज़ की, की। मुक़दमिन खलुदून तो मुक़दिनखलुदून है हुआ कवियस्तबिल्नफ़्स इस किताब इसके से हमारी डिटेलिंग हो चुकी है बिल्कुल ठीक है ऊपर वाला क्वेश्चन आसान है बिल्कुल आसान है लेकिन इन्होंने कोश्चन को हार्ड बना दिया है इबारत सही नहीं करके ठीक है इबारत सही नहीं करके हार्ड बना दिया है हुआ कबीस्तबिल् नफ़्स लाया आरफुल हवादाफीन वललमरूनफिनिया ये किसके तालुक़ से है बहुत सारे लोग उन्होंने उमर बिन खत्ताब लगाया मैंने भी फ़र्स्ट गोह में उमर बिन खत्ताब लगाया था लेकिन जब दोबारा मैंने दोहराया तो मैंने कहा अली बिन तभी तालिब को क्योंकि उमर बिन खत्ताब हमारे सिलेबस में है ही नहीं ये एक रीज़न था और ये ये जो उठाया गया है ये जुमला हसन सयास से उठाया गया है जैसे हमने पढ़ा भी अली बिन तालिब के बारे में तो ये जुमला उठा कहाँ से उठाया गया है हसन सयास से उठाया गया है अगला सवाल है मुफक्रमु स इस्लामी मुफक्र हैं इस्लामी मसल हैं जिनकी किताब है अलमसा फ़ीशर अहलमुआ अलमसवा फ़िशर अहलमत् तो ये किसकी है आपकी शाह वली मुहदत की। किताबों को याद रखना फिर अदबे हिंदी में देखें किताब पूछ ली गई है मैंने कहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ देंगे किसी को नहीं नहीं छोड़ना नहीं है बस ये है कि किताबें सबकी याद होना चाहिए आपको ठीक है मैं मानता हूँ शाहौल साहब की ज्यादा किताबें हैं नवाब सद्दीक हसन ख़ा की ज़्यादा किताबें हैं फिर उसके बाद आपकी किसकी अबुल हसन अली नदवी की, की ज़्यादा किताबें ये तीन बंदे नसर में से हैं इनकी ज़्यादा किताबें हैं ठीक है बस उसकी ज़्यादा बात तो ज़्यादा किताबें नहीं हैं बाकी शेर में हम कहें अनवर शाह काश्मीरी की ज़्यादा किताबें हैं और भी सारे लोगों की हैं लेकिन मैं कहूँगा कि अगर किसी बीस पच्चीस की किताबें तो वो ज़्यादा नहीं हैं किताबें तब ज़्यादा होंगी जब वो मतलब चालीस पचास क्रॉस कर जाएंगी ठीक है बीस पच्चीस तो जहन में आ सकती है बिल्कुल क्लियर क्लियर तो किसकी शाह महदिस ज़िल्वे की और इनकी एक दूसरी किताब है अलमसफ़ा अलसफ़ा है शॉफस है किससे बना है ठीक है अलमसा है तो वो भी शर म है वो भी मत् की शरह है तो मुसफ़ा जो है फ़ा वहाँ पर मौजूद है तो फ़ारसिया है और अरबिया मौजूद है, है। मुसफ़ा वाली जो है फ़ारसी में है और मुफ्फ़ा वाली तो किसकी है शाहवलीसदलवी की यहाँ पर देखें मेरा गलत हुआ है लम यकतफ़ी विश अलिफ़त तलबल्फ़ा उन्होंने शेर पर इतफ़ा नहीं किया वकाना तो उन्होंने फ़िक भी हासिल की यानी शायर तो थे ही फ़िक भी हासिल की वक़ाना आकी़ा आरिफन बिल्हकामी वर्फ़ दिया शुनानचे वो फ़कीह भी थे मसले मसाइल को और फतवे वग़ैरह अहकाम को भी जानते थे तो मैंने किसका जवाब दिया अबू तमाम क्यों दिया क्योंकि असल जवाब क्या है अबू नवास मैं समझा यार जो शराब पीता हो वो कहाँ फ़क़ा फ़की उकी बनता होगा उसको कहाँ फ़िका कैसे मतलब होगा ये मेरी लॉजिक थी इस लॉजिक के साथ मैं अबू तमाम के साथ गया था अबू तमाम कुछ नेक टाइप भी लगते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐसा कुछ नहीं है कि शराब और गज़ल और ये सब है ना कुछ किताबें लिखी हैं वीवान वान हैं ठीक है थीके? तो अबू तमाम और मदह में मशहूर है ज़्यादातर अबू तमाम की मदहिया शायरी है ठीक तो इसलिए इनके पास गया लेकिन ये किसके बारे में है अबू नवास के बारे में किसके बारे में अबो नवास के बारे में ठीक है अबू नवास के बारे में तो होते ईज़ी हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन हमने नहीं पढ़ा होता है हमने पढ़ा नहीं होता है कहीं पर इसकी वजह से वो हमारे लिए वहाँ पर जाकर मुश्किल हो जाते हैं वहाँ पर जाकर मुश्किल हो जाते हैं अनशा अब्दुल मसीह हद्दाद अब्दुल मसीह हद्दाद ने एक जरीदा जारी किया 1912 में जिसका नाम क्या है असाह क्या है असाह महाजिर तो कोई जरीदा नहीं कोकुरी का ज़रूर कुछ ना कुछ है मिरातुलरब तो ये नजीब दैयाब का है जो कि लेबू माजी के ससुर हैं उनका है ठीक है तो क्या होगा सही जवाब अस ये भी आसान है बिल्कुल अब्दुल मसीह हद्दाद ने एक ही जारी किया है ठीक है फिर उसके साथ एक सवाल है आपसे मुजलतुल्फ़नून किसका है मुजलतुल्फ़न किसका है और उन्होंने कब जारी किया है एक सवाल ये वाला सवाल का जवाब देना आप लई समलफ़ात याकूत लहमवी ठीक है याकूत लहमवी की मुलफात में से नहीं है ठीक है बुलदान इनकी मौलफा में से है मजमा ये तो मैं काफ़ी बताता रहता हूँ अलमुतम मिन जमारत नसब ठीक है उस टाइम मैंने इतनी गहराई से नहीं पढ़ाया था लेकिन इस टाइम मैंने ज़रूर याकूत अहमवी की या मैंने कहा है ना कि जो मुलफात हैं जैसे आपके छः यूनिट में मुालफा हैं अहमुल मराजी और मसाबिर या इसी तरीके से यूनिट नाइन में अहमुल अहमुलमालफात हिंदिया वहाँ पे बुक्स का तस्करा है तो बुक्स के अगर राइटर का नाम है तो राइटर भी सिलेबस में इंक्लूड है ये आपके जहन में फंस जाना चाहिए लेकिन हमने या बहुत सारों ने गलती की होगी या मैंने ये गलती की पता नहीं ठीक है मैंने ये गलती की कि हमने मैंने जो है याकूत अलहमली जो मुलफिन हैं उनकी उनके बारे में डिटेलिंग नहीं पढ़ी हमने किताब के बारे में डिटेल पढ़ ली इनकी किताब कौन सी हमारे सिलेबस में मौजूद है शायद मुझे वो दबा है ठीक है सिलेबस में मौजुल उदबा है ना शायद है ना तो इस किताब को हमने डिटेल में पढ़ लिया लेकिन याकूत अहमवी के बारे में नहीं पढ़ा डिटेल में इनके बारे में कि इनकी और किताबें क्या हैं इनकी ज़िंदगी के हालात क्या हैं नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने सवाल पूछ ली तो ये एक गलती थी मिस्टेक पता चली और इस तरीके से एक सवाल और आएगा ठीक है तो वाद जो है तकरीबन ये स्यूती की है जहाँ तक मुझे याद है आप बताना अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है किसकी है भुगतलवाद सूती की है मैंने कौन कौन सा टिप किया टिक कर दिया आपका मकतज़ब कर दिया टिक ठीक है मकतजब हालांकि मकतज़ब जो है ये तीनों किताबें बुलदान मौजूल मौजमल मौजम और यहाँ तक कि मनजम शुआरा भी इन्हीं की किताब है किसकी इसकी मनजम शुआरा भी इन्हीं की किताब है क्लियर है तो यहाँ पर करना क्या है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको करना है कि जो मौलफिन हैं उनके बारे में भी डिटेलिंग में पढ़ना है अगला सवाल है शायर उनबी उन शायर अरबी हैं जहाबा इलाबास्त बिल जलतरा बन जलतरा गए वह आदमी हन सबारा और सबारा में वहाँ से वापस आ गए वख्तार अबूर सईद और यहाँ पर देखें ये जो सवाल है मैंने सही लगाया बिल्कुल ठीक है वख्तार अख्तार सईद और बुरसद को अपना मस्कन समझा मस्कत राशि जहाँ इनकी वफ़ा हुई ताकि वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारें सुम्म तरह का हलकंद्रिया फिर उसके बाद इसकंदिरिया चले गए है तोबनिया तो जहाँ पर उनकी वफ़ा हुई उन्नीस सौ अट्ठावन तो यहीं से ही सवाल का जवाब मिलता है कि उन्नीस सौ अट्ठान कौन है ठीक है अहमद रामी वगैरह के बारे में बहुत पता नहीं है इब्राहिम नाजी सलाबालसबीन इनके बारे में मुझे बहुत पता नहीं था लेकिन मैंने समझा कि ये एक तो अंजल तरह गए ठीक है थीके? इसी तरीके से बोर सेद यहाँ पर कौन पैदा हुआ अब्दुलरहमान शकररी और उन्नीस सौ का भी जिक्र है तो मैं अब्दुलरहमान शकर के साथ चला गया और मेरा सही जवाब हुआ यहाँ पर करना क्या है इस क्वेश्चन में करना क्या है इस क्वेश्चन में ये करना है मैं आपको बता भी चुका हूँ आप देखें हमारा यूनिट आठ है कौन है यूनिट आठ है वहाँ पर जो तस्करे हैं जैसे एक है क्लासिकिया क्या है क्लासिकिया दूसरा है रोमांसिया ठीक है तीसरा है अलवा और चौथा है हैमज़िया क्लासिकिया में जो मशहूर है वो आपके हैं बारूदी हाफिज़ इब्राहिम अहमद शौकीन तीनों के बारे में तो हम पढ़ते हैं अहमद इब्राहिम अहमद मुहर्रम अहमद मुहर्रम या एक दो का और नाम तस्करा है तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि देखें सवाल यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया भी आएगा ठीक है मैं जो बता रहा हूँ इनके बारे में पढ़ाई करो फिर उसके बाद है क्लासिकिया क्लासिकिया में तो पूरे ढेर लगा हुआ है ठीक है और तकरीबन हम हर एक के बारे में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे उसके बाद वाकैया में आपके नजी महफूज है महमूद तैमूर है मोहम्मद तैमूर है महमूद तैमूर के बारे में तो हम पढ़ते हैं फ़िस्ा में लेकिन मोहम्मद तैमूर के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद है रमज़िया रमज़िया में आपके अदीब मज़हर हैं ठीक है शायद सईद अक्ल हैं या वाकैया में वो शायद इसी में ये सईद अक्ल भी हैं तो इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारे मदरसे आते हैं ये क्या हुआ ये तो इतजाहत हुई ये चारों क्या हुई इतजाह हुई फिर उसके बाद मदारस आते हैं नंबर एक आपका आता है उंदुलसिया ठीक है उस उसबांदिया अलकलमिया ठीक है रबित अलकलमिया, फिर उसके बाद जमात अबोलो मदरस दीवान तो जमा तो मदरस दीवान में आपके अक्का हैं इब्राहिम अलमाजनी अमाजनी अक़ाद के बारे में तो पढ़ते हैं ठीक है लेकिन इब्राहिम अलमाजनी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए अब भी पढ़ लें सवाल अब भी बन सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो अब भी पढ़ लें और कमेंट में लिखेंगे तो इन मैं आपको पब्लिकली वीडियो दे दूँगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो पब्लिकली आपको इन दोनों पर वीडियो दे दूँगा किसके पे अब्दुलरहमान शुक्री पे और इसी तरीके से इब्राहिम अमाजनी पे तो मदरस दीवान से ये बंदे हमारे सामने आ गए इसी तरीके से मैंने ये भी बताया कि उस बहुत में हम जो जितने भी लोग हैं उनमें तीन या चार के बारे में पढ़ते हैं मिशाल मालूफ के बारे में पढ़ लिया इलाज यासारिया के बारे में पढ़ लिया रशीद अखूरी के बारे में पढ़ लिया उसके अलावा जो भी हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं तो उनके बारे में जो मशहूर मशहूर आपको लग रहे हैं ठीक है जैसे फ़ौजी मालूफ हैं ठीक है शफीक अल मालूफ हैं और इसी तरीके से आपके नज़ीर ज़ैतून हैं इनके बारे में आप थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल कर सकते हैं ठीक है मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा फिर उसके बाद राबिता कलमिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो जो मशहूर हैं लेकिन उनके बारे में हम पढ़ते नहीं हम किन के बारे में पढ़ते हैं पांच के चार के बारे में पढ़ते हैं जैसे आपके जुबरान के बारे में पढ़ते हैं हम इली हम अबू माजी के बारे में पढ़ते हैं नसी वरीज़ा के बारे में पढ़ते हैं रशीद रशिदीयूब के तलु से मिखाइल ख़ैल के तलुक़ से लेकिन हम अब्दुल अब्दुलमसी हदाद के तल्लु से नहीं पढ़ते जिनका मजल्ला है नुद्रा हद्दा के से नहीं पढ़ते ठीक है उधर आपके उस बंदिया में अखुलजरब भी मशहूर हैं शुक्रुलजरब भी मशहूर हैं यहाँ पर सैदा भी मशहूर हैं ठीक है इनके बारे में सवाल आ भी चुका है पी वाई क्यूज़ में तो इनको पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ये मैंने आपको समझा दिया है तकरीबन कुछ और भी रह गया ना शायद हो जमात अबो ठीक है जमात अबोलो जमात अबोलो।, अबोलो में तो पूरा ढेर लगा हुआ है तकरीबन बीस बाईस लोग हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं आप जैसे इब्राहिम नाजी हैं साले जोदत्त हैं अब्दुल मोती और बहुत सारे हैं या शेर हर भी एक है शेर हर में भी बहुत सारे लोगों का तस्करा है तो उनका क्या करना है थोड़ा सा तो देख लें कि जैसे माना जोरसा के बारे में जोरस शाहजा जो जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई इनकी वफात कब हुई है कहाँ से ये लबनानी है सूरी है मिसरी है फ़लस्तीनी है क्या हैं इनका मशहूर काम क्या है दो तीन काम अगर किताबें हैं तो काम मौजल्ला है तो मुजल्ला ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग नहीं जाना उनकी तरह लेकिन पढ़ना ज़रूरी है जैसे देखें यहाँ पर भी आपका सवाल बन गया अब्दुलरहमान शकर के ताल्लुक़ से अब्दुलरहमान शकर कहीं भी आपका डायरेक्ट सवाल कहीं भी डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन चूँकि मदरस दीवान में है इसलिए आपके सिलेबस में बन जाते हैं इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ठीक है उसके बाद है आपका डायलॉग हुआ बिलाबिया डायलॉग इसको अरबी में क्या कहते हैं तो इसके लिए देखें इन्होंने जो सिलेबस में दिया है कि अलमूल सियासिया और मिसल अकतजादिया उससे तो सवाल करते नहीं उससे तो ये सवाल करते नहीं है कुछ भी पूछ लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जितनी वो आप याद कर सकते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी किताब अगर आपके पास कोई मौजूद हो ठीक है उन किताबों का सहारा ले सकते हैं वरना ऐसे ही जाके आप विकीपीडिया का सहारा ले सकते हैं कंप्यूटर की असतलाहत हैं तिब की असतलाहत हैं मेडिकल की हैं कंप्यूटर की हैं ठीक है टेक्नोलॉजीज़ जो निकली है, उनकी हैं उनकी असलाहा हैं ठीक है इसी तरीके से आपकी इलेक्शन की कुछ अशलाहत होती हैं इसी तरीके से आपकी कुछ मुनाजाम होती हैं उनकी फुल फॉर्म और उनकी पूरी वो होती है फुल फॉर्म के बाद अरबी में उनका पूरा नाम होता है वो आप तलाश करके ए, कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आपकी तैयारी होना चाहिए और बाकी कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस नॉलेज पे ए, मैटर करता है हम सिर्फ डायलॉग जो दो तीन क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम बहुत सारी वैक्टरीज याद नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन करना चाहिए कोशिश मैके कहा कि हमको पाँच सौ से हज़ार दो हज़ार इतनी याद करने की कोशिश करना चाहिए कि कहाँ से फंस जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा डायलॉग का मुहावरा असल जवाब क्या होगा मुहावरा मैंने वही टिक किया था लेकिन उसके बाद इन्होंने शायद मुहिहदा या मुहदा भी दे दिया क्योंकि दो आंसर दिए हैं दूसरी आंसर की जब आई थी तो इसके दो आंसर दिए हैं लेकिन असल क्या है मुहावरा ठीक है उसके बाद है आल जहा मिखाई नाइमा फ़ी मसराइत ही मखायलिनमा ने अपनी मसराहैया में किससे गुफ्तु की है तो ये देखें आप कह रहे हैं मैं डिटेल में चला जाता हूँ ठीक है इनकी जो एक मसराहैया है ठीक है तो इसमें इन्होंने किससे गफ्तु की है नंबर एक मबैन अक़दीमत वचदीदा जो कसियत सुरा यानी जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है पहली नस्ल के दरमियान अब की नस्ल के दरमियान जो एक तस्म है जो एक कन्फ्लिक्ट है जो एक टकराव है उसको बयान करने की अपनी मसरहिया में क्योंकि उन्होंने कज़ाया अजमा उठाए हैं समाजी मसले यानी बाप क्या सोचता था बेटे क्या सोचते हैं दादा क्या सोचता था अब ये क्या सोचते हैं इनकी फ़िक्र इनकी इस तरह से इनकी उन्होंने अपनी मसराहैया में बातों को रखने की कोशिश की है ठीक है तो किसी बंदे को पढ़ रहे हों उनकी किताबों का असल थीम क्या है इन्होंने किताबें किस तल्ल से लिखी हैं या किसी खास किताब के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है या आपको लगता है कि ये मिखाइल लैम की अहम किताब है लेकिन इस किताब के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है सिर्फ किताब किताब का नाम है तो आप जाके उस किताब को सर्च कर सकते हैं आप उस किताब को जाके सर्च करें देखें इस किताब में है क्या ठीक है इतना टाइम तो देना चाहिए आपका हक़ बनता है जे आर एफ निकालना चाहते हैं फिर उसके बाद ये किताब तो बहुत ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है इन्ना खुतबुल जाहिज़ तो आलमलाउुलानियन जो जाहिज़ की किताबें हैं वो अक्ल पहले सिखाती हैं बाद में अदब सिखाती हैं अदबी किताबें होती हैं ना इन बंदों की लेकिन इनकी किताबें अदब बाद में सिखाती हैं पहले अक्ल सिखाती हैं किसका है इबन अामीदी का है किसका है इबन अमामीद का है ठीक है उसके बाद इख्तर एलिजाबा अस्य मा में शराह शुफ्रा सही जवाब चुनिए अदीबलबानीन कबीरुन जुबरान सली जुबरान रहा इमरीका सनता की बड़े अदीब हैं जुबरान सली जुबरान अमरीका गए अठारह सौ नब्बे में नौ बल्कि कब अठारह सौ पचानवे में गलत यह स्टेटमेंट है ठीक है यह आपका क्या स्टेटमेंट है देखें क्या क्या होता है यहाँ पे क्या परेशानी इसमें यार एलिया अबू माजी हुआ मिना आदा रबित कलिया ज़र्र मजलत समिर एली आबू माजी कलमिया पेन लीग में से हैं और कलमिया से हैं मजलत समिर उन्नीस सौ उनतीस में जारी किया बिल्कुल सही कोई गलत बात नहीं है बी कहाँ पर है बी बी आपका एक में है दो में है यानी ये वाला ख़त्म हो गया आपका ठीक है ये वाला आपका ख़त्म हो गया नीचे वाले तीन और चार खत्म हो गए फिर उसके बाद मौजूद अक्रबाल अकबाल जो मिखाई नाम है कि उसका मौजूद क्या है नकद है बिल्कुल सही तो हम जाएंगे बी और सी के साथ क्योंकि तो लिहाज फ़रहात ने मुझलत फ़नून जारी नहीं किया बल्कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है बताना मुझे ठीक है तो यहाँ से सही जवाब मिल गया हमारे दो सही जवाब हैं बी और सी दूसरा और तीसरा बी और सी दूसरा और तीसरा नंबर है ये और दूसरा ठीक है उसके बाद अगला सवाल है मिन उस रतन शायरा शायरी ख़ानदान से ऐसा ख़ानदान जहाँ पर शायरी शायरी वालदान माँ भी शायर बाप भी शायर दो मामू शायर इसी तरीके से जद्दा नानी के अब्बा शायर ठीक है जद्दा नानी, नानी के अब्बा शायर पर नाना होंगे कौन होंगे ठीक है नानी के अब्बा शायर फिर उसके बाद इसका सही जवाब होगा ये किसके बारे में है नाजिकुल मलाइका के बारे में नो no डाउट बिल्कुल क्लियर है इनके बारे में लिखा होता है इनकी अम्मी ऐसी इनके अब्बा ऐसे इनके मामू ऐसे ठीक है इसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए था अगला सवाल है अदीबन उंदलुसी व फैलसूफ़ उन विदा सनत पाँच सौ छः ले हिजरा वितरनाता इसम ठीक है वरना इसम अदीबलुस तो यहाँ पर ये देखें हमारा सवाल कही कहीं ना कहीं फैलसूफ से भी हल हो जाता है फैलसूफ़ सब नहीं है ना मुझे पता है कि इबन अदर रबी फैलसूफ से फलसफे से कोई ताल्लुक है ना बिनि बाजा का को कोई फलसफे से ताल्लुक है ना इनका फलस से कोई ताल्लुक है तो सवाल एक तो यही हल हो गया अपनी तफ़ैल तो फिर अगला हिंट और मिला पाँच सौ छः हजरी आपको पता होना चाहिए पाँच सौ छः हजरी क्या इनकी पैदाइश लिखा है वफ़ा वफ, पैदाश लिखा ठीक है इबिनिब्दरबी दो सौ छियालीस इबन बाजा का अगर आपको पता हो पता नहीं है यहीं पर हार्ड हो गया इबिन आबाद कज़्ज़ार का पता नहीं इसलिए हार्ड हो गया फिर तिबका भी तस्करा है ये जो है डॉक्टर थे किसके अमीरुल अमीरमुमादीन के नाम लिखना वो कौन है यूसफ या ऐसा कुछ नाम है ठीक है उनके तो कई तीन हिंट मिले यहाँ पर फैलसफ़ी कोई और नहीं पाँच सौ छः अगर हमें याद है तब तो क्लियर हो जाएगा फ़ौन ही याद नहीं है तब फंस रहे हैं ठीक है इश्तला बि इश्त बितब और डॉक्टरी की ये भी हमें पता है किसके बारे में है ये इबिन तफ़ैल के बारे में सही जवाब क्या है ये इसका सही जवाब होगा इबिन तुफैल ठीक है अगला सवाल है कानैशरबमर वला युजीद ननजमा अदा शरबा देखिए मेरा गलत हो गया कि वो शराब पीते थे और वला युजीद नगमा और शायरी तभी अच्छी करते थे जब शराब पीते अब मैं इसको समझाऊंगा मैं गया अबू नवाज़ की तरफ क्यों क्योंकि साहिबुल खमर जिसको कहा जाता है वही वही तो दोनों में फ़र्क़ क्या है मैं बता भी चुका हूँ अबू नवाज भी साहिबुल खमर हैं इनको अख्तर को साहिबुल खमर नहीं कहा जाता लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि शराब पीकर अच्छी शायरी करते थे तो अबू नवाज का मतलब य था कि ये शराब वराब नहीं पीते थे अबू नवाज़ शराब नहीं पीते थे लेकिन इन्होंने साहिबुल अखमर खबरियात या ख़मर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने ग़ज़ल जो शा जो 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 आपकी शराब है जो ख़मर है उसको ऐसा बना के पेश किया जैसे वो महबूबा है उसके ऐसी ऐसी वफ़ की है ऐसी ऐसी तारीफ़ें की हैं ऐसी ऐसी उसको बयान किया कि किसी ने बयान नहीं किया इनके जैसा तो इन्होंने शराब पी नहीं सुन रहे हैं कुछ शराब नहीं पी इन्होंने बल्कि शराब की अजीब ही अंदाज़ का वफ्फ किया शराब को बयान किया लेकिन अख्तर भाई कैसे हैं आपके इन्होंने शराब पी कर अच्छी शायरी करते थे मस्त होकर अच्छी शायरी करते थे तो यहाँ पर मेरा गलत हुआ देख रहे हैं आप उसके बाद है इंतहार इंतहार को अरबी में क्या कह कहते हैं ख़ुदकुशी तो सुसाइड कोई परेशानी नहीं अगर ये याद ना हो तो आपका एम में होना ही बेकार है सच में मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो मैं कहूँगा आपका अगर ये भी याद ना हो तो आपका फिर एम में होना बेकार है रतबिल मसकूरी नमीन शुरा बहुत शाइरात अधना हुसव तवारीख वफातम अगर आपने तारीख़ वफ़ात के हिसाब से इनको मुरतब कीजिए फ़वा की कितनी है 2003 है ना शायद 2003 हज़ार देखते हैं अभी फ़दवात वी हाँ दो हज़ार होगी ठीक है उस या दो हज़ार सत्रह भी हो सकती है चलें अभी देखेंगे हम फिर उसके बाद नज़ार कुबानी की है उन्नीस उमर अबू रिशिया की है उन्नीस नाजिकुल नब्बे की है 2007 ठीक है नाज़िकमलैका की है 2007 मैंने कौन सा टिक किया एक डी बी ए सी डी पे -E, उमर अब रिशा बिल्कुल सही बात उन्नीस ये पहला वाला सही है उन्नीस ठीक है बी का क्या है नज़र कब्बानी क्लियर है उन्नीस सौ के, के बाद अट्ठानवे फिर उसके बाद ए का क्या है फतवा दो हज़ार बिल्कुल दो होगा फिर मलाइका दो हज़ार यहाँ पर बताएं क्या परेशानी होगी अगर हमें याद होगा इनके बारे में और जिनके याद नहीं होगा वही तो गलत करेंगे जिनके याद नहीं होगा वही तो गलत करेंगे जिनको याद होगा वो, तो हो वो क्यों गलत करेंगे नाजिकालमलैका दो हज़ार सात फ़दत दुकान दो हज़ार तीन उमर अबू रिशा उन्नीस सौ नब्बे नजार कब्बानी उन्नीस सौ अट्ठानवे तो क्या परेशानी हो सकती है क्वेश्चन हल करने में देखें फिर फिर अदब हिंदी में किताब के बारे में पूछा गया इसी को मैं बार बार कहता हूँ लई समिन आमाली हसन अली नदवी अबुल हसन अली नदवी की किताबों में से नहीं है अखिलात राशिदा है हम जानते हैं इसकी जिल्दें बताना कितनी हैं तरीख़िलल मदीना है ठीक है हब्बत रीमान कई बार पी आई की सुन आ चुका है अलग अलग अंदाज़ में ठीक है लेकिन बला का वादा इनकी किताब नहीं है बला इनकी किताब नहीं है तो सही जवाब होगा दो सही जवाब क्या होगा दो रतबा सलाम अलमुदन हसबा जोदत शुरा आई है फ़जा अलफिलमकदमती ठीक है फ़जा अलफिलमकदमती तो इबन सलाम ने मदीने मदीनों को उनकी की सबसे अच्छी शायरी कहाँ होती थी उस हिसाब से तरतीब दी है सबसे अच्छी मदीना में फिर मक्का में फिर फिर तायफ़ में फिर अबा में इस तरीके से ठीक है तो मैंने क्या गलत कर दिया मैंने मक्का लिख दिया कि मक्का में लेकिन सही जवाब क्या हो मदी में ठीक है सही जवाब क्या है मदीना में पहले मदीना फिर मक्का फिर तायफ़ फिर अबवा सैलह अदीना फिर ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बिल्कुल नो no डाउट ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि आप जो है किताब की ऊँची ऊंची बारे में नहीं पूछ रहे बल्कि बहुत ही डीप जाके पूछ रहे हैं किताब के बारे में एक किताब के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप जाके पूछ रहे हैं ठीक है आददोफल कर्नकरीमदीन कतलूफ यमामा गजवतिल यमामा में जो हफाद कुरान करीम कत्ल किए गए उनकी तादाद कितनी थी तो उनकी तादाद सत्तर थी उनकी तादाद सत्तर थी ईजीस्ट क्वेश्चन है क्या है ईजिएस्ट क्वेश्चन है लेकिन ये बताएं ये कौन से यूनिट से है ये सवाल ये सवाल कौन से यूनिट से है ये यूनिट चलें आप ही बताएँ मैं बाद में बता दूंगा ठीक है अगला सवाल है अशार शुरा अलमल्का हम सलासा साहब के तीन शुरा जिनकी तफजीलियत पर लोगों का इजमा है वो कौन है जिनकी तफजीलीत पर लोगों का इजमा है वो कौन हैं वो हैं आपके इमरैस जो हैरबनबी सलमा नाबिका दुबिया नाबिका दुबयानील अशरा आशराम से हैं स्वामी से नहीं है। से हैं अशरा अशराम से और इस बात को तकरीबन इसी अंदाज़ की कोई रिवायत है, है अल्फाज हैं हसन सयात ने उन्होंने उनको अपनी किताब में लिखा है ठीक है जमातुल अदबीतुली उन्नीस सौ बत्तीस उन्नीस सौ बत्तीस में कौन सी जमयियत क़ायम हुई जमात अदबिया नो no डाउट फिल्म अरबी कहाँ फिल्म हजर जनूबी में ठीक है तो सही जवाब क्या होगा अलस्फादुलसिया ये उन्नीस होना चाहिए उन्नीस ठीक है महाजर जुनूबी में आपकी या महाजर जुनूबी यहीं से ही क्लियर है बादिया बहुत ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन थोड़ी है ये ठीक है बहुत ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन है ही नहीं बाकी आप देख लें आपका राबतल कलमिया उन्नीस सौ बीस मदरस दीवान उन्नीस सौ इक्कीस जमात बोलो उन्नीस सौ बत्तीस और उस्बांदिया उन्नीस सौ तैंतीस स्बानसिया उन्नीस सौ तैंतीस रतब शुआर आल मसकूरी नदना हुआ पतवारी हमी लादम इनकी पैदाइश के हिसाब से इनको मरतब कीजिए अहमद शौकी अड़सठ अहमद शौकी अड़सठ कोई परेशानी की बात नहीं होगी खलील मतरान सत्तर मान लेते हैं या बहत्तर ठीक है मारूफ रसाफ़ी असाफी अहमद शौकी अड़सठ हाफिज़ इब्राहिम सत्तर खलील मतरान बहत्तर ठीक है यहीं से क्लियर हो गया तो पहले होंगे अहमद शौकी ए आएगा कहीं पर तो ए एक ही जगह है ए डी बी हाफ़िज़ इब्राहिम सत्तर अड़सठ के बाद सत्तर फिर फिर उसके बाद बी बहत्तर फिर उसके बाद मारूफ और असाफ़ी पचहत्तर उन्नीस सौ अड़सठ उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ पिचत्तर यहाँ पर क्लियर है ध्यान में बैठा लेना ठीक है खलील मतरान हाफिज़ इब्राहिम दोनों का लिखा है कि सत्तर बहत्तर हाफिज़ इब्राहिम का सत्तर बहत्तर लिखा है ठीक है तो इब्राहिम का सत्तर मानना खलील मतरान का बहत्तर मानना शौकी का अणसठ मारूफ़ रसावी का पिछहत्तर अब इन सब की वफात लिख देना कमेंट में इन सब की वफात लिख देना कमेंट में और तरतीब के हिसाब से ठीक है तरतीब के हिसाब से यहाँ पर तो अल्फाज का खेल है ये कोई सवाल ही नहीं है क्या सवाल है याद होगा तो पता नहीं कर पाएंगे आप तो हक़ीकी मानों में अगर आपने तारीफ़ समझ ली है तो इसलिए मैंने कहा है कि बलागा में मिसालों से पहले आपका समझना ज़रूरी है कि तारीफ़ है क्या हकीकी मानों में तशवी की तारीफ़ क्या है हकीक़ी मानों में मुरसल मुक्द मुफसल मुजमल बलीग उसके बाद तशवी ज़मनी तशवी तमसील उसके बाद आपका तशवी मखलूब और और बहुत सारी तशवीहत हैं इनकी असल तारीफ़ क्या है ख़बर की असल तारीफ़ क्या है निशा की असल तारीफ़ क्या है मजाज की असल तारीफ़ क्या है ठीक है इश्तारा तसरह इश्तारा असली इश्हारा तबैया इसशतारा मकनिया इनकी असल तारीफ़ क्या है कि की असल तारीफ़ क्या है ठीक है ठीक है इन सब का याद होना मजाज की मजाज की इनकी असल तारीफ क्या है उसके बाद आप मिसालों की तरफ जाएंगे जनास की सजा की दिवास की तौरिया की इन सब की असल तारीफ क्या है तारीफ को पहले समझो फिर जाके मिसालें समझी जाती हैं ठीक है थीके? तो यहां तो बस भाई साहब ने भाई साहब ने घुमाया है इसमें अल्फाज के घेरे में गिराया है तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं डिटेलिंग और भी कर चुका हूँ बहुत पहले तो सही जवाब होगा तीन ठीक है सही जवाब क्या होगा तीन अगला सवाल है ये किस किस की हैं ये किस किस की हैं देखें यहाँ पर कहा है कि मैंने ये तकरीबन सब नए वालों की नए वालों की किताबों को जमा कर दिया एक और एस्पेक्ट देख रहे हैं आप सारे नए हैं हलाम मुस्तकानी नई अब्दुलरहमान मुरीफ नए लैल उस्मान नई इब्राहिम अलकू इनकी किताबों को जमा कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर मैं अगर नहीं तो ऐसी देखें रही लैल उस्मान बिल्कुल मोटी किताब है यानी बड़ी किताब है जाकिरतुलजसद हलामाम मुस्तक़ानमी मशहूर किताब शरमतवस इब्रा अब्दुलरहमान मुनीफ नजीफ़ुलहजर इब्रीमलकूनी कोई परेशानी नहीं है इसमें यानी आप किसी बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी मोटी मोटी किताबें तो आपको मालूम होंगी ठीक है मोटी मोटी किताबें तो मालूम होंगी हला मुस्तकानवी की और दूसरी किताबें आपके जहन में हो जहन में हो तब लिखना देख के मत लिखना अहला अल्लाह की दूसरी किताबें आपके ज़हन में हों याद ठीक है अब्दरहमान मुनीफ़ की दूसरी किताबें आपके जहन में हो तो लिखना लहलु ऊसमान की दूसरी किताबें आपके जहन में हों तो लिखना वसमियत तखरुज इसका तलफ़ुज बताना मैं पढ़ता हूँ वसमत हो लेकिन वो नहीं है शायद वस्मियत हो क्योंकि अलसमियत भी कहीं लिखा हुआ है लैल ओस्मान की जो रिवाया है मशहूर रवाया वसमियत तखरुज मिनल ब ठीक है क्या माना है इसका बताना मुझे और सही तल्फ़ क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने क्लियर किया वीदा सा फ़मा उकसर अलिमत वक़मात कम तोमायली व तकर्रमी तफ़ाइल शेर मिनल बबहार तो इसका सही जवाब होगा आपका चार यानी इसका सही जवाब होगा बहर कामिल ठीक है इसका सही जवाब होगा बहर कामिल और अरूज के लिए हमने काफ़ी डिटेलिंग की है और मैंने बताया है कि किस किस तरीके से हम इसी सवाल को हल कर सकते हैं या हवाल करने का सा, आ, सा, सवाल को हल करने का अंदाज़ क्या होता है दो तरीक़े से हम हल कर सकते हैं एक तो ये कि हमें पता हो कि ये सहूता है किसका ये सवाल है किसका ये ये शेर है किसका तो शेर पता चलेगा फला का है फला के उस कशीदे का वो कशीदा बहर कामिल में तो क्लियर है बहर कामिल फिर उसके बाद दूसरा ये है कि हमें पता हो कि बहर कामिल की आपकी बहर कामिल की वो क्या है तफाइल क्या है बह तवील की तफ़ाइल क्या है बर बसीत की तफाइल क्या है बर खफ़ी की तवाइल क्या है जब आपको तफाइल याद हैं ठीक है जब आपको तफाइल याद हैं कि मफ़ालतन या मुतफ़ाइन जो भी है ठीक है बहर कामिल तफाइल आप लिख लेना कमेंट में तो उस तफाइल को कैसे इन पर फिट किया जाए वो भी मैंने आपको बताया है ठीक है उस तफ़ाइल को कैसे इन पर फिट किया जाए वो भी मैंने आपको बताया है ठीक है अगला सवाल है देखें स्टेटमेंट में यहाँ कुछ रखा है ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अलग अलग अंदाज़ में मैं पी वाई में बहुत देख रहा हूँ इस सवाल को आप अब भी हल कर लीजिएगा अगला सवाल है मारई तो वाहद आलम बबिल़त बिन नबी नवास बबिनबा हमने अबू नवास से ज़्यादा लगत के बारे में जानने वाला किसी को नहीं पाया बिबिनबा ने कहा गलत है ये कुछ है इसमें स्टेटमेंट वाले सवाल में और जाहिज़ ने कहा है बिल्कुल सही बात है ठीक है जहाज ने कहा है बिल्कुल सही बात है तो पहला गलत है और दूसरा सही है तो ये चौथे पे हम जाएंगे किस पे जाएंगे चौथे पे जाएंगे स्टेटमेंट वन इज़ इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू ठीक है पहला गलत दूसरा सही है ये देखें अब्दुलरहमान इबन जैदून के तलु से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हुआ अबू जैद अब्दरहमान इबन मोहम्मद इबन मोहम्मद यहीं से ही सवाल हल हो गया अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है इतना ही लिख दो तो हम हल कर लेंगे सवाल पीछे भी आ चुका है पी वाई क्यूज़ में शायद अशविल्या से हैं उनस में और अपने बाद के साथ तूनस चले गए तो किसके बारे में ये अबिन खलुदून के बारे में किसके अबू जैद अबूजैदबरमान बाकी सबका नाम बताएं मुझे हाँ जी खलीफा का नाम क्या है अबिन नदीम का पूरा नाम क्या है अबिन खलान का नाम क्या है ठीक है मैंने कहा ना कि नाम को याद करने पर फ़ोकस करो नाम याद सवाल हल नाम याद सवाल हल कतवा मुस्तफ़ा लुफ़ी मनफलूती में लुफ़ी मनफलूती ने फन फनस्ा में बहुत सारी किताबें लिखी हैं उनमें से नहीं है फ़ीस भीताज इनकी है फ़ज़ीला इनकी है शायर इनकी है और ये तर्जा किए इन्होंने लेकिन अंतरा इनकी नहीं है अंतरा किसकी है वो मुझे ज़रूर बताना अंतरा इसकी है वो आप मुझे ज़रूर बताना ये किताब बिल्कुल आसान में से है ईजिएसट में से है ठीक है अबिया तो शेर का कल कसूरी वाला कसूर अबियाु हाँ तुम्हारे शेर की तुम्हारे अबिया तुम्हारे शेर के जो अबियात हैं तुम्हारे शेर के जो शेर हैं हम जैसे बोलते हैं तुम्हारे कसीदे के जो शेर हैं वो महलत की तरह हैं वन ला जाए तो हुर व मान ऱी तो हुर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र और रकीक़ जो हैं ये हर्र ग़ुलाम के माने में यूज़ होते हैं जो ग़ुलाम होता है ना सिलेब ऱीक सिलेब और उसके अपोज़िट हुर हैं यानी स्लेब का उल्टा इस मान में यूज होते हैं लेकिन यहां पर हुर्र जो है इस मान में यूज नहीं हुए तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि तौरिया यहाँ यूज हुआ है तोरिया की असल तारीफ है क्या अगर आपको तौरिया की तारीफ ही नहीं होगी तो क्या खाक आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे आप क्या खाक इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे तो पहले तो पता होना चाहिए और जब आपने पढ़ा है तो इस तरह की मिसालें आई हुई हैं ठीक है थीके? तो इन शेर में क्या है ये आपके हर व वकीक जनास ताम तो हो नहीं सकता हर वकीक़ में कैसे जनास होगा या जनास् गैरताम भी होगा कोई कोई मिलता जुलता नहीं है इनका ठीक है तिबाक तिबाक भी ऐसा नहीं है तिबाक और मुकाबला वो अलग ही लेवल की चीज़ें वहाँ जुमला होता है तिबाक और मुकाबले में जुमले होते हैं और तिबाक और मुकाबले में दोनों फ़र्क क्या है वो मैं बता चुका हूँ ठीक है बलागा की क्लासेस में मैं बता चुका हूँ तिबाक और मुकाबला बहुत कन्फ्यूज़न है बिल्कुल मुझे भी कन्फ्यूज़न था मेरा क्लियर कब हुआ अभी आके जब टीचिंग कर रहा हूँ तब जाके क्लियर हुआ है तो अगर मुकाबला वो अलग लेवल की चीज़ें यहाँ पर अल्फाज में तौरिया है ठीक है अल्फाज में तौरिया है ठीक है सही जवाब क्या होगा आपका तौरिया होगा उसके बाद अगला सवाल है रत तबिलकुतुबल मस्कूर अजना हज़बत वारदार वही अंतालीफ तोफ़ी हकीम इन किताबों को आप जिस तरीके से ये शादिर हुई हैं इसी किताब से मैं इसी वजह से मैंने अब क्वेश्चन सना के बारे में पूछने शुरू कर दिए हैं यानी डेट के बारे में कौन सी किताब कब से आई हुई आपको तकरीबन मोटी मोटी किताबें जो मशहूर मशहूर की किताबें एक बंदे की उनकी डेट याद कराने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी मॉक टेस्ट के ज़रिए अपनी पी वाई के ज़रिए अपने एम सी क्यूज़ के जरिए ताकि आपको उनकी डेट याद हो जाएँ और जैसे हम दो दो सवालों में फंस गए क्यों फंस गए हैं क्योंकि तफ़ी अलहदीम हकीम की किताबों के बारे में पूछा गया इसी तरीके से अक्का की किताबों के बारे में पूछा गया एक भी सवाल पता नहीं था वो तो अल्लाह का करना हुआ कि मेरा ये सवाल सही हो गया ये देखें सही हो गया ना बी सी ए डी क्या हुआ बी सी ए डी और वहाँ पर मैंने एक लॉजिक लगाया था वो लॉजिक लग गया सही रू, फिर उसके बाद सी सूर मिनश क्योंकि जो मेरा नोट था उसमें रू मिन शरक़ से पहले लिखा हुआ था तो मैंने कहा मैंने सोचा ऐसा ऑप्शन जहाँ पर बी सी से पहला हो ऐसा होना चाहिए और ये एक ही ऑप्शन मिला मुझे तकरीबन ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही मिला जहाँ बी जो है सी से पहले और उसी की वजह से मैं सही पर जा पाया क्योंकि तो मेरा जो लिखा हुआ था वो क्या था रू उस ओसूर शर्क से पहले था सूर्य शख्स से पहले था अब मैं कैसे यहाँ पर उस सूर्य शख्स से बाद में बना दूंगा ठीक है तो इनकी फिर डेट वगैरह भी हमने देख ली है कि उस अदतर रूह की क्या है तैतीस है सूरबिन शर की क्या है चौंतीस है ठीक है या शजरा की क्या है रिवायत मुकदस की क्या है तो इनकी किताबों को या जो भी बंदे हैं जो मशहूर मशहूर हैं उनकी किताबों को याद करने की उनकी डेट को याद करने की कोशिश करें मैं सवाल पूछता हूँ लोग कहते हैं हार्ड क्वेश्चन बना रहे हो हार्ड नहीं बना रहा फिर इनको कौन हल करेगा ये दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं चार नंबर कोई मामूली बात होती है अक्का की किताबों के बारे में पूछ लिया लई नवाब नवाब्दीक़ हसन ख़ान देखें फिर फिर देखें अदब हिंदी से किताबें बड़ा लगाओ है इनको किताबों से जी फतहुल बयान इन्हीं की है ठीक है बयान ओनुलब्यान बारी इन्हीं की है फतहुल बयान के बारे में कुछ लिख देना ओन बारी के बारे में कुछ याद होते लिख देना मिसकाम के बारे में कितनी जिलों पर मुश्तर है या किसकी शरह है ये लिख देना ठीक है मारफ अवारफ़ मारफारफ़ यह है अबुल हसन अली अनदी की मारफ अवारफ़ या सकाफत इस्लामिया फ़िल हिंदी जिसको कहा जाता है ये किसकी है अबुल हसन अली अनदी की अलमाारफ़ किसकी है वो ज़रूर कमेंट में लिखना मारफ़ इसमार ये भी बहुत ही ईजी है इन्वेस्टमेंट ठीक है ईजी रहता है बहुत ईजी रहता है मैंने तो शायद पढ़ा भी नहीं था इसको इस पोर्शन को हल करने के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था हालांकि मैं किसी चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ हर चीज़ को याद करने का होता है लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए था ही नहीं हुई पढ़ूँ तो पढ़ूँ कहाँ से ठीक है अल्बील हुआ मिन मस याद किसकी है बकील किसकी है बखील है आपकी मारूनान्नाश की ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है तो ये सारे के सारे मसरहियात में से हैं सदनूस की मशहूर किताबें क्या हैं अज़ीलवाज़ा की मशहूर किताबें क्या हैं अहमद बाग़ीर इनकी तो भर भर की किताबें हैं अहमद बाग़ीर की तो सौ से ज़्यादा किताबें हैं ठीक है फिर उसके बाद मुस्तफ़ीफ़ा मुफ़ीफ़ा मतफ़ीफ़ा कुछ है इसमें सिर्फ़ याद करना है बहार बहूर याद करना है तो ये बहूर कौन सा है बहर बसीत है ये मुस्तफ़लफ़ा कौन है बहर बसीत है القديم وقف على اتجاهات फ़ारसियाँ व यूनानिया वालमबिलुन व अक्सर गैर आरबिया व तला वसूल वो अरबी पुराने नाक़द बिल्कुल पुराने नाक़द हैं सारे यहाँ पर जिनको फारसी और यूनानी यानी बलागत में नकद में या अदब में फ़ारसी और यूनानी इतजाहत का ट्रेंड्स का भी इल्म था ठीक है तो ये किसके बारे में है इबन उ़ा के बारे में सही जवाब क्या होगा आपका इबिनबा के बारे में अब भी याद रख लेना कभी भी पूछा जा सकता है आगे इस बार भी पूछा जा सकता है आगे भी पूछा जा सकता है ठीक है और उनको अरबी के अलावा दूसरी और जबानें भी मालूम थी इसी तरीके से फलसफ़ा और कलाम के असूल भी इन्हें मालूम था तो फ़लसफा और असूल कलाम में भी नाक़दलाबी वो अरबी नाक़द जिन्होंने शेर की सबसे पहले तारीफ़ की कि कलाम अमौनफ़ा कि शेर जो है कलाम मौजून ममफ़ा है ये ये क्वेश्चन इसलिए ख़ास है कि शेर की सबसे पहले डेफिनेशन अगर किसी ने की है इस नाम से क्या कि कलामौन जो अब तक चली आ रही है तो वो किसने की वो की है आपके गोदामा इबिन जाफ़र ने मैंने किसका लिख दिया इबन रशीद का मैंने किसका लिख दिया इब्न रशीद का, का? क्यों क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने सिना कहा है कि उन्होंने उसको सिन्हात भी बतलाया स्नत मतलब कि एक फ़न है एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है ठीक है या इसको सीखा जाना चाहिए तो मैं इब्न रशीद की तरफ क्यों गया ये देखें इबन रशी की तरफ़ गया है क्यों क्योंकि इनकी किताब है अलोमदाफ़ी शनात शेरी व नक़द ही अलोमदाफी शनात शेरी व नकद ही लेकिन किसके बारे में है ख़ुदाम इब्न जाफ़र के तल्लुक से ठीक है ठीके? फिर यहाँ पर देखें इकराक़ तालिया वख्तरजवाब सही ख़यात अलमस्कूर आदना हो तो इन सवालों को कैसे हल करना है इन सवालों को कैसे हल करना है इसके ताल्लुक से मैंने कहा है कि आप इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं कि अभी भी आप किताब पढ़ रहे होंगे आप किताबों से थोड़ा रिश्ता अच्छा रखें हसन याद की किताब पढ़ें ठीक है आप विकिपीडिया पढ़ें आप और दूसरी किताबें पढ़ें अगर आपकी बार सही होगी तो इन इन इस तरह के सवाल को आप हल कर पाएंगे ठीक है इस तरीके के सवालत को हल कर पाएंगे मुझे उम्मीद है जैसे मेरे भी चार चार या पाँच या चार ऐसे दोनों में से हल हुए एक नसर का है एक शेर का है परेशानी हो सकती है आपको कि ये बताने में कि ये टुकड़ा किसका है जैसे यहाँ पर तोफ़ी अल हकीम के बारे में था या उन्होंने लिखा है ठीक है किसके बारे में है किसका है किस अदीब के बारे में है तो यहाँ पर तो परेशानी हो सकती है क्योंकि फैक्ट पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आपसे फैक्ट पूछ रहा है या शेर आगे आएगा जहली आबू माजी का शेर है कि पूछें ये शेर किसका है उसमें तो परेशानी हो सकती है हमें लेकिन उसके अलावा किसी और में परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो इबारत होती है बिल्कुल ईजी लेवल की इबारत कौन सी है ईज़ी लेवल की इबारत है वो इन्होंने अदबी इबारत नहीं उठाने की कोशिश की अदबी अदबीबारत का मतलब होता है कि जैसे मकामा उठा लिया जाए ठीक है या और भी दूसरी अबी अदबी इबारतें उठा ली जाएँ बल्कि इन्होंने बहुत ही ईजी जो इबारत उठाई हैं ईजीएसट इबारतें उठाई हैं ठीक है और इन क्वेश्चन को ईज़िली हल किया जा सकता है ठीक है इन इन क्वेश्चन को ईज़ी हल किया जा सकता है आपके लिए करना बस ये है कि आप जो है किताबों से थोड़ा रिश्ता मजबूत रखें इबारतों से अरबी ज़ुबान में इबारत खानी इबारत को अच्छे से पढ़ना उसको समझना ये बिल्कुल जान है क्या है जान है और जो बंदे इसमें अच्छे होते हैं वो अच्छा करते हैं और इंग्लिश में भी है, ये रीडिंग नहीं आएगी तो आपको फिर क्या आएगा ठीक है ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना शुक्रन जजाक खैर वाहसन जजाक